गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित कुमार बघेल, मैं आपको आज वेंचुरीमीटर के बारे में पढ़ाऊंगा। वेंचुरीमीटर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे एग्जाम के लिए, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या कोई पब्लिक सेक्टर एग्जाम या कोई भी और दूसरा एग्जाम। ये क्वेश्चन जो वेंचुरीमीटर है, इससे मुख्यतः हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम है CSVTU, इसमें मुख्यतः इससे न्यूमेरिकल पूछता ही पूछता है। तो आज हम आपको वेंचुरीमीटर के बारे में पढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम वेंचुरीमीटर होता क्या है? वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए करते हैं। वेंचुरीमीटर में मुख्यतः तीन पार्ट्स होते हैं, ये आपके सामने डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहला पार्ट होता है, ये होता है आपका कन्वर्जिंग पार्ट, ये है कन्वर्जिंग पार्ट। दूसरा होता है थ्रोट, जो थ्रोट होता है वो आपका, ये जो दूसरा नंबर मैंने लगाया है ये आपका थ्रोट है। और इसमें एक तीसरा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग पार्ट। तो ये जो तीसरा पार्ट है ये आपका डाइवर्जिंग पार्ट है। अब इसके पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हो आपका पहला जो है कन्वर्जिंग पार्ट। कन्वर्जिंग पार्ट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो डिक्रीजिंग होता है, मतलब ये है कि आपका इनलेट में क्रॉस जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा, और जैसे जैसे इसकी लेंथ में हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होते जाएगा। और जो इसका लेंथ होता है वो आपका, वो जो डाइवर्जिंग सेक्शन है उससे इसका लेंथ कम होता है। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि कन्वर्जेंट सेक्शन का जो लेंथ है वो डाइवर्जिंग सेक्शन के लेंथ से कम है, और इसका जो कोण एंगल होता है वो डाइवर्जिंग सेक्शन के कोण एंगल से ज्यादा होता है। दूसरा होता है थ्रोट। थ्रोट जो मैंने बताया, थ्रोट जो वेंचुरीमीटर होता है उसके मध्य में लगा होता है, इसकी इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और इसका जो डायमीटर होता है वह पूरा, इसका जितनी लेंथ है उतना ये लेंथ। इसमें एक थ्रोट होता है जो कि वेंचुरीमीटर के मध्य से अटैच में होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो इसके पूरे लेंथ तक यूनिफॉर्म होता है। अब इसमें एक डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, ये डाइवर्जिंग सेक्शन है, इसका इसकी लेंथ कन्वर्जिंग सेक्शन के लेंथ से ज्यादा होता है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होता है। इसमें यह याद रखने वाली बात है कि थ्रोट का जो डायमीटर होता है वो लगभग जो पाइप का डायमीटर है उससे आधा होता है। वाली बात है कि थ्रोट का डायमीटर पाइप के डायमीटर से आधा होता है। अब इसमें रेट ऑफ फ्लो को मेजर कैसे किया जाता है? रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए इसमें एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा होता है। यह यूट्यूब मैनोमीटर इनलेट सेक्शन और थ्रोट सेक्शन के बीच में लगा होता है। अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे को देखते हैं। यह मुख्यतः बर्नौली थ्योरम पे काम करता है। जब जैसे कि बर्नौली थ्योरम में हमें पता है कि जब वेलोसिटी बढ़ता है तो प्रेशर कम होने लगता है, तो जो वेंचुरीमीटर है उसका थ्रोट का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, इसलिए वेलोसिटी ज्यादा होता है तो वहां प्रेशर कम हो जाता है, और इनलेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज्यादा होता है तो वहां पे वेलोसिटी कम होती है, इसलिए प्रेशर वहां पे ज्यादा हो जाता है। इस कारण दोनों के बीच, इनलेट और थ्रोट के बीच प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसे हम डिफरेंशियल मैनोमीटर से नापते हैं। जैसे कि अब ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये आपका वेंचुरीमीटर है, ये आपका थ्रोट है। थ्रोट में का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है
तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। इनलेट जो सेक्शन है यहां पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो यहां पे वेलोसिटी कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। इस कारण इन दोनों सेक्शन के बीच प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसे हम इस यूट्यूब के मैनोमीटर के बीच से नापते हैं। यहां पे ये देखिएगा प्रेस, जो ये एक यूट्यूब मैनोमीटर है, यहाँ इसमें मरकरी भरा होता है। इस यूट्यूब मैनोमीटर में देखिएगा यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, तो ये जो मरकरी भरा हुआ है ये इसको इधर से पुश कर दिया, और यहां से ये जो पुश करता है तो यहाँ पे इधर राइट साइड में राइज हो जाता है। इन दोनों के डिफरेंस को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे इसका मैं डेरिवेशन बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया है कि वेंचुरीमीटर बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बर्नौली थ्योरम हमें पता है वो क्या होता है। पी वन बाई रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू पी टू बाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड टू। तो पी वन वी वन इनलेट सेक्शन के प्रेशर और वेलोसिटी थे, पी टू और वी टू आउटलेट सेक्शन के प्रेशर एंड वेलोसिटी थी। इस डायग्राम को देखिए, ये आपका पी वन वी वन डी वन जो भी डायमीटर है, जो भी डायमेंशन है वो इनलेट के लिए है, पी टू वी टू डी टू थ्रोट सेक्शन के लिए है। अब जेड वन और जेड टू ये डेटम से जो वेंचुरीमीटर है उसका हाइट है, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो जेड वन और जेड टू दोनों सेम होगा। तो मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया है, तो जेड वन जेड टू कैंसिल हो गया, पी वन पी टू को मैंने पक्षांतर कर दिया, तो पी वन माइनस रो जी माइनस पी टू बाई रो जी इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर बाई टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू जी। तो ये डिफरेंस इन प्रेशर हेड है जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एस इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर बाई टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू जी हमें मिलता है। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें पता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें पता है कि क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो इस इक्वेशन को हम, और जैसे हमने पढ़ा है कि क्यू है वो पूरे, जब भी कोई पाइप में बहता है तो जो फ्लो रेट होता है वो पूरे पाइप के लिए कांस्टेंट होता है। क्यू इज इक्वल टू ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। अब हम इसमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू बाई वी टू। हम अब यहां से किसी एक की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो एच का इक्वेशन हमें निकला है। तो मैं क्या करता हूं, मैं वी टू इज इक्वल टू ए वन वी वन डिवाइडेड बाई ए टू। तो अब इस वी टू की वैल्यू को जो हमारा एच का इक्वेशन है मैं उसमें रखूंगा, तो एच का हमारा जो इक्वेशन निकला है वो एच इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर बाई टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू जी निकला है। तो वी टू की वैल्यू को मैं इसमें रखूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, ए वी वन डिवाइडेड बाई ए टू के स्क्वायर माइनस वी वन बाई टू जी। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा और यहाँ पे ए टू बाई टू जी, ठीक है, तो यहाँ पे वन बाई टू जी भी है। तो मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, तो मैं वी वन स्क्वायर बाई टू जी को बाहर ले लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ए वन बाई ए टू का स्क्वायर माइनस वन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, टू जी एच इज इक्वल टू वी वन का स्क्वायर ए वन के स्क्वायर माइनस ए टू के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टू का स्क्वायर। और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा ए टू के स्क्वायर टू जी एच डिवाइडेड बाई ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। और इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो बी वन इज इक्वल टू मुझे मिलेगा ए टू अंडर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाई ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर अंडर रूट ए टू स्क्वायर। अब हम इस वी वन की वैल्यू को यहाँ पे जो ऊपर क्यू इज इक्वल टू ए वन इंटू वी वन है, यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू
A1, A2, अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1, अंडर रूट A2 स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। ये हमारा रेट ऑफ फ्लो का इक्वेशन है जो कि हम वेंचुरीमीटर से फाइंड करते हैं। हमने अभी जो डिस्चार्ज निकाला है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज था, लेकिन वास्तव में जो डिस्चार्ज होता है वो उसमें कोई ना कोई लॉसेस होते हैं, तो उस लॉस को हम इसे फॉर्मूले में उसे लॉस को दर्शाने के लिए हम एक कोफिशेंट का मल्टीपल कहते हैं जिसे हम कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज कहते हैं। इसे हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे हमें एक्चुअल डिस्चार्ज की वैल्यू मिलती है। इस सीडी की जो वैल्यू होती है वो होती है सीडी इज इक्वल टू 0.98। अब मैं आपको एच निकालने का तरीका बताऊंगा जब उसमें प्रेशर की वैल्यू नहीं दी होती डिफरेंशियल मैनोमीटर में। तो एच दो तरीके से निकाला जाता है जब प्रेशर नहीं दिया होता। एक फॉर्मूला है आपका एच इज इक्वल टू एक्स इंटू एस एच माइनस एस एल माइनस वन। तो इसमें एस एच आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड और SL है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड। जब डिफरेंशियल मैनोमीटर में भारी लिक्विड होता है तब और पाइप में हल्का लिक्विड होता है तब हम इस फॉर्मूले की उपयोग से एच की वैल्यू निकालते हैं। यहां पे एक्स है जो दोनों लिक्विड जो डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो लिक्विड भरे हुए हैं दोनों लिम में उनके बीच का डिफरेंस। दूसरा फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू 1x into 1 माइनस एस एल बटे एस एच। जब डिफरेंशियल मैनोमीटर में लाइटर लिक्विड होता है और पाइप में जब भारी लिक्विड होता है तो इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। तो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल के जरिए समझाऊंगा कि इस फॉर्मूले का कैसे हमें इस्तेमाल करना है। तो एक क्वेश्चन है आर के बंसल का, ये पहला क्वेश्चन है। अ हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विथ इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है जिसका इनलेट और थ्रोट का डायमीटर 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। टू मेजर फ्लो ऑफ वाटर, इसका उपयोग वाटर के फ्लो रेट को मेजर करने के लिए किया जा रहा है। द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड टू इनलेट एंड थ्रोट इज 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड है इनलेट और थ्रोट के बीच उसकी रीडिंग है 20 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड फ्लो रेट निकालना है जिसमें सीडी की वैल्यू 0.98 है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए सर्वप्रथम हमें जब भी एग्जाम है तो उसमें हमें सर्वप्रथम इसका एक रफ डायग्राम हमें बनाना चाहिए। तो मैं एक जो रफ डायग्राम है आपका एक बना देता हूं, एक छोटा सा रफ डायग्राम, तो इससे आपको समझ आ जाएगा। ये एक वेंचुरीमीटर है, ये आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड है। ये अब इसमें कह रहा है कि इनलेट का डायमीटर 30 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर है D1 इज इक्वल टू 0.3 मीटर। मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। D2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर।
अब जो कह रहा है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो रीडिंग है इनलेट और थ्रोट के बीच का रीडिंग दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इस क्वेश्चन में ये देखिए जो लिखा हुआ है कि जो पाइप है हमें इसमें रेट ऑफ फ्लो वो वाटर को मेजर करना है, तो पाइप में है वाटर बह रहा है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता होती है वो होती है 1, और जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है इसमें आपका मरकरी भरा हुआ है और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, तो x इज इक्वल टू 0.2 मीटर। s ये आपका पाइप में बह रहा है तो ये आपका लाइटर लिक्विड हुआ, s हैवी मरकरी है, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता है वो होती है 13.6। तो सर्वप्रथम ये हो गया जो गिवन डाटा दिए हुए हैं, अब हमें इसके जो फ्लो रेट का फॉर्मूला है उसमें इसे आगे चल के अप्लाई करना है, तो इसको हम यूज करेंगे। सर्वप्रथम हमें डायमीटर दिया हुआ है d इज इक्वल टू 0.3, तो यहां से हमें एरिया मिल जाएगा, तो एरिया हमें होगा 0.3 गुणित, तो इसकी वैल्यू आ गई आपका 0.0706 मीटर स्क्वायर। इसी तरह d2 की जो वैल्यू दी हुई है वो है आपका 15 इज इक्वल टू, तो ए टू का मान निकल जाएगा 5/4 इंटू 0.15, तो ए टू की जो वैल्यू आएगी वो 0.0176 मीटर। अब हमें यहां से हमको एच की वैल्यू निकालनी है, चूंकि इसमें प्रेशर की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमें एच को निकालने के लिए जो मैंने फॉर्मूले बताए थे पिछले, ये दो जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूले से हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इन दोनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि जो मैंने बताया था कि पाइप में कौन सा लिक्विड है और डिफरेंशियल मैनोमीटर में कौन सा लिक्विड है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंशियल मैनोमीटर में मरकरी भरा हुआ है और मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, पाइप में वाटर बह रहा है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में भारी लिक्विड है, पाइप में हल्का लिक्विड है, तो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें उपयोग होगा। तो हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं, ये होगा आपका एस हैवी एस एल माइनस 1, तो यहां से हम अब वैल्यूज को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.2 इंटू 13.6 माइनस 1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2.52 मीटर। मैंने सारी वैल्यूज SI में ले ली है, SI में रखने से बेनिफिट ये है कि हमें जब हम Q की वैल्यू रखेंगे तो हम सारी वैल्यूज में SI में रखेंगे तो आसानी होगा, और जो हमारा फाइनल आंसर भी आएगा वो SI में ही आएगा। तो अब हमें ये हो गया, यहाँ तक निकल गया, अब हम Q की वैल्यू देखें, Q इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला है वो है CD इंटू A1 A2 इंटू अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू इसके स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू को रखेंगे तो हमें मिलेगा 0.98 इंटू A1 की वैल्यू है 0.706 गुणित 0.176 गुणित 2 इंटू 9.81 इंटू H की वैल्यू हमारे पास है 2.52 इंटू अंडर रूट A1 0.706 स्क्वायर माइनस A2 0.0176 का स्क्वायर। अब इससे हमें फाइनल आंसर जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा 0.125 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है। आरके बंसल के एक और समस्या है, हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विथ इनलेट डायमीटर 0.2 मीटर एंड थ्रोट डायमीटर 0.1 मीटर इज यूज्ड टू मेजर फ्लो ऑफ वाटर
हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है जिसका इनलेट डायमीटर है 0.2 मीटर एंड थ्रोट डायमीटर है 0.1 मीटर। इसका इस्तेमाल फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए किया जाता है। द प्रेशर एट इनलेट इज 17.65 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनलेट का जो प्रेशर है वो है 17.65 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो वैक्यूम प्रेशर एट थ्रोट इज 0.3 मीटर ऑफ मर्करी। थ्रोट के जो वैक्यूम प्रेशर का वैल्यू है वो है 0.3 मीटर ऑफ मर्करी। फाइंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू द वेंचुरीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर थ्रू द वेंचुरीमीटर। सीडी की वैल्यू 0.9। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब भी ऐसा न्यूमेरिकल होता है तो पहले हमें डायग्राम बनाना चाहिए। डायग्राम बनाने से आपको समझने में भी आसानी होगी और सामने वाला आपको ज़्यादा अच्छा नंबर देगा। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया, एक रफ डायग्राम। तो ये आपका एक डायग्राम बन गया। अब इसमें इनलेट का डायमीटर है, ये यहाँ का डायमीटर है 0.2 मीटर D1। D2 का डायमीटर है 0.1 मीटर एंड प्रेशर एट इनलेट इज 17.65। तो P1 का जो मान है वो है आपका 17.65 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर। और जो वैक्यूम प्रेशर एट द थ्रोट, यहाँ का जो थ्रोट का जो मान वैल्यू दिया हुआ है वो 0.3 मीटर दिया हुआ है। अब इस यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान रखना दिया है कि पड़ेगा कि इनलेट में हमें P1 की वैल्यू दी हुई है और थ्रोट में हमें 0.3 मीटर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमें H2 की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है इनलेट में और यहाँ पे हमें सीधा हमें जो हाइट है उसकी वैल्यू हमें दे दी हुई है। तो इसको जब अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरा डिफरेंशियल मैनोमीटर है जो बन गया। ऐसे करके एक रफ डायग्राम बनाना जरूरी है। और यहाँ पे भी आपका पाइप में वाटर बह रहा है, डिफरेंशियल मैनोमीटर में मरकरी रखा हुआ है। तो सर्वप्रथम हमें ये जो हाइट है इसे ही फाइंड करनी पड़ेगी, ये आपका एच है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को डील करने के लिए मैंने बताया कि सर्वप्रथम हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एरिया निकालना पड़ेगा। D1 की वैल्यू है 0.2 मीटर, तो यहाँ से हमें A1 की वैल्यू मिलेगी 5/4 × 0.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें मिलेगा 0.0314 मीटर स्क्वायर। D2 की वैल्यू है 0.1 मीटर, तो A2 की वैल्यू हमें मिलेगी 5/4 × 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.00784 मीटर स्क्वायर। अब ये चीज निकल चुका है A1 और A2। अब हमें सर्वप्रथम H की वैल्यू निकालनी है। H का हमें पता है कि X × S heavy − L − 1 या 1 − SL − SH जो फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है और एक ये फॉर्मूला होता है P1/ρg − P2/ρg। अब चूंकि यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू दी हुई है और कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू नहीं दी है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम P1/ρg कोई वैल्यू निकालेंगे। तो P1/ρg 17.6 × 10⁴ डिवाइडेड बाई, पाइप में वाटर बह रहा है तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 × 9.81। तो P1/ρg का जो मान आया है वो आपका 18 मीटर आएगा। नाउ अगला जो है, यहाँ पे हमें सीधे सीधे हमें H2 की वैल्यू दे दी हुई है। H2 आपका है दिया हुआ है, वो है आपका वैक्यूम प्रेशर ऑफ थ्रोट एट, ये वैक्यूम प्रेशर दिया हुआ है तो ये 0.3 मीटर निगेटिव होगा। वैक्यूम प्रेशर मैंने बताया था पहले कि वैक्यूम प्रेशर इज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल, जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का प्रेशर होता है उसे हम वैक्यूम प्रेशर होता है कहते हैं और उसे हम निगेटिव लेते हैं। तो ये सीधे 0.3 मीटर दिया हुआ है ऑफ
मरकरी, मरकरी ये जो निकला है ये वाटर निकला हुआ है, 80 मीटर ऑफ वाटर, तो हमें इसे वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके करने के लिए हमें 0.3 इंटू 13.6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहां से हमें वाटर के टर्म में निकल जाएगा ऑफ वाटर। तो इस तरह से अब हमें एच की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमें पी वन बाई रो जी और ये निकल चुका है, तो हमें एच की वैल्यू हमको निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका पी वन बाई रो जी माइनस पी टू बाई रो जी। तो हम इसके वैल्यू निकाल चुके 18 माइनस, और ये पूरा जो टर्मोलॉजी है ये पूरा जो हमारा निकल गया वो आपका माइनस 0.4.08, तो यहाँ से क्या मिलेगा 0.408, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 18.422 मीटर। अब इस वैल्यू को हम जो हमारा फॉर्मूला है क्यू का उसमें रखेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू होता है सी डी ए वन ए टू अंडर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए वन माइनस ए टू स्क्वेयर। तो सी डी की वैल्यू हमें पता है 0.98, ए वन ए टू निकल चुका है, ए वन की वैल्यू हमारी हमारी जो है वो है आपका 0.0314 इंटू 0.0078 इंटू 2.9.81 इंटू एच, एच की वैल्यू है आपकी, एच की वैल्यू हमने निकाली है 22.08 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए वन का स्क्वायर, तो ए वन आपका है 0.314 का स्क्वायर माइनस एच टू 0.0078 का स्क्वायर। नाउ अब इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिलेगा 0.166 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से वेंचुरीमीटर का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।